देखिए, इसीलिए जो बॉन्ड भरने की बात कही गई है, जो राजोवेनी कोर्ट ने जो जमानत दी है उसमें निजी मुचलका भी है और सशर्त जमानत भी है। ये सशर्त शर्तें जो है उनमें यही है कि आप किसी भी इस मामले के गवाह से संपर्क नहीं करेंगे। जो अंतरिम जमानत की शर्तें थी वो सारी शर्तें यहाँ भी लागू होती हैं। लेकिन आपको याद होगा जब अंतरिम जमानत मिल रही थी और सुप्रीम कोर्ट में लंबी जी रह चली, तब भी ये बात हुई थी कि कोई नेता है, कोई VIP है तो उसके लिए नियम अलग नहीं हो सकते हैं कि हम उसको जमानत इसलिए ना दें कि वो ऐसा कुछ कर सकता है। जैसे कि सामान्य व्यक्ति के पास अधिकार है जमानत लेने का, वैसे ही किसी नेता को भी है। दोनों के अधिकारों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, तो यही देखना होगा। क्योंकि जब एक मुचलका भरवा लिया गया है, रेगुलर उन्हें यह भी कहा गया है कि वो जब भी उनको बुलाया जाएगा वो पेश हो जाएंगे, तमाम जो है वो शर्तों में आता है। तो जाहिर तौर पर एक मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती है कि वो पब्लिक आई में हमेशा रहता है, वो हमेशा मौजूद रहेगा, वो इस तरह की कोई हरकत को अंजाम नहीं देगा। बिल्कुल सुजाता, हमारे साथ अंजलि भी जुड़ी हुई है, आपके पास वापस लौटेंगे। अंजलि, देखिए किस तरीके से सुजाता भी लगातार समझा रही है हमारे दर्शक जो देख रहे हैं उसको, लेकिन ईडी लगातार ये कोशिश कर रही है कि अरविंद केजरीवाल को जमानत ना मिले। अपने SLP में भी ईडी ने कहा है कि जांच के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर अगर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाती है तो जांच पर असर पड़ सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर है। और सभी आपको इस वक्त एक बड़ी खबर बता दी, और ये बड़ी खबर आपको लगातार हम बता रहे हैं कि लेकर रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। ईडी की याचिका को लेकर संजय सिंह ने एक्स पर पोस्ट किया है। संजय सिंह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि कोर्ट के आदेश की अभी तक कोई अनुमति नहीं मिली, किस आदेश को ईडी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी, ये भी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, संजय सिंह साफ तौर पर एक्स पर पोस्ट करते हुए भी नजर आए और इस पूरे मामले को लेकर उनकी टिप्पणी क्या है वो आपको बता रहे हैं, क्योंकि ईडी इस वक्त हाईकोर्ट पहुंची, सुनवाई चल रही है, कोर्ट के आदेश की अभी कॉपी नहीं मिली है। किस आदेश को ईडी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी वो सवाल पूछते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ श्वेता हम देख रहे हैं जहां पर हाईकोर्ट पहुंची ईडी, अब इस पूरे मामले को लेकर श्वेता लगातार फिलहाल हमने देखा संजय सिंह ने बात हमारे साथ है। सुजाता, यहाँ पर आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि भाई आदेश की कॉपी नहीं मिली और यहाँ तो ईडी चैलेंज करने पहुंच गई। देखिए, अब यही सारी टेक्निकल चीज़ें हैं जो दोनों ही पक्ष इस्तेमाल करना चाहता है, और आदेश की कॉपी की बात हो रही है। और जैसा हमने देखा, क्योंकि समय लिया गया था, वो समय शायद इसीलिए लिया गया होगा ताकि कागजी कार्रवाई पूरी की जा सके, और कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए भी अदालत समय देगी जांच एजेंसी को, जैसे कि बात सामने आई है। तो संजय सिंह जो है वो राजनीतिक दृष्टि से ये बात कह रहे हैं। जाहिर तौर पर ये सारी बातें कोर्ट के संज्ञान में है कि पेपर वर्क पूरा होना है, सुनवाई के लिए अग्री कोर्ट हो गया है, इसका मतलब वो पेपर का इंतजार कर सकता है, आदेश का इंतजार कर सकता है, कॉपी देखेगा, उसके बाद सुनवाई जो है उसकी जरा आगे बढ़ेगी। तो ये एक राजनीतिक बयान है, एक तरह से एक भावनात्मक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, या एक तरह जीत की तरफ इशारा करने की कोशिश हो रही है। मध्य पार्टी की तरफ